मैं जो सबमिशन कर आपको रहा नहीं हूँ दिख रहा क्या? जी दिख रहा है ना, मैं उसी के बारे में बहस कर रहे हो? उसी के बारे में बता रहा हूँ साहब। बताओगे आप कहीं सिग्नेचर है? जो लाइन है बाद में टाइप हुई है उस पर सिग्नेचर है किसी के? क्या दिख रहा है आपको? जहां पे गैप है, एग्रीमेंट तैयार हुआ आपको है, बिल्कुल भी नहीं दिखता क्या? आप मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? क्या सुनने से फायदा होगा जब आप बोल ही नहीं रहे? मतलब की बात आप पहले एग्रीमेंट देख के इसके बारे में बोलो। लो तो काम जो है आप बहस कर रहे हो। आप यहाँ किसी भी व्यक्ति को दिखा लीजिए, यहाँ 20 आदमी बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगेगा कि ये आदमी ने कितना गलत किया है? नहीं, उसके पीछे आप कुछ, कोर्ट में आ कैसे गए? आप उसके पीछे कुछ और तो देख लें। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, पीछे जब आगे दिख रहा है तो। बड़ा फर्जीवाड़ा करने के बाद आप हाईकोर्ट में निवेदन कर रहे हो। स्पेशल परफॉर्मेंस के मैटर में डिस्क्रिशनरी डिग्री है, हम 100% आपकी अपील खारिज करेंगे। जी आप चाहे जितनी बहस कर लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो मैंने दिया है, आपको समझ में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है और ये आपका केस क्या है? आपको अपनी आंखों से नहीं दिख रहा? आप बहस कर रहे हो आप? नहीं दिख रहा है ना सर। फिर दिख रहा है तो बहस क्यों कर रहे हो आप? मेरा थोड़ा सा निवेदन तो सुन लें। आप निवेदन क्या करोगे? तो इतना जो है गलत काम के अंदर आप निवेदन कुछ है नहीं उसमें। वो तो आप बोलो तो आपके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम करने का और आदेश कर दूं। तो जजमेंट दिखा दिया, देखो कुछ है नहीं उसमें। वो तो आप बोलो तो आपके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम करने का और आदेश कर दूं। थोड़ा सा निवेदन सुन लें। बताओ, करो निवेदन। जी आपको अपनी आंखों से नहीं दिख रहा? आप बहस कर रहे हो आप? नहीं दिख रहा है ना सर। फिर दिख रहा है तो बहस क्यों कर रहे हो आप? मेरा थोड़ा सा निवेदन तो सुन लें। आप निवेदन क्या करोगे? तो इतना जो है गलत काम के अंदर आप निवेदन करोगे? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने के बाद आप हाईकोर्ट में निवेदन कर रहे हो। स्पेशल परफॉर्मेंस के मैटर में डिस्क्रिशनरी डिग्री है, हम 100% आपकी अपील खारिज करेंगे। जी आप चाहे जितनी बहस कर लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो मैंने दिया है, आपको समझ में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है और ये आपका केस क्या है? आपको आंखों से नहीं दिखता क्या? इतना असत्य काम जो है आप बहस कर रहे हो। आप यहाँ किसी भी व्यक्ति को दिखा लीजिए, यहाँ 20 आदमी बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगेगा कि ये आदमी ने कितना गलत किया है? नहीं, उसके पीछे आप कुछ, कोर्ट में आ कैसे गए? आप उसके पीछे कुछ और तो देख लें। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, पीछे जब आगे दिख रहा है तो। आगे देख लें, मैं जो सबमिशन कर रहा आपको हूँ। नहीं दिख रहा क्या? जी दिख रहा है ना, मैं उसी के क्या बारे फिर से बहस कर रहे हो? उसी के बारे में बता रहा हूँ साहब। बताओगे आप कहीं सिग्नेचर है? जो लाइन है बाद में टाइप हुई है उस पर सिग्नेचर है किसी के? क्या दिख रहा है आपको? जहां पे गैप है, एग्रीमेंट तैयार हुआ आपको है, बिल्कुल भी नहीं दिखता क्या? आप मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? क्या सुनने से फायदा होगा जब आप बोल ही नहीं रहे? मतलब की बात आप पहले एग्रीमेंट देख के इसके बारे में बोलो। लो इसका कोई आपके पास एक्सप्लेनेशन है, दे दो इनको ये फाइल। कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो एज एन एडवोकेट? आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो? ये एग्रीमेंट में सब जगह सारी की सारी चीजें कार्ड के द्वारा लिख दी गई बिना दस्तखत के, और आप बहस करोगे दावे में? कोर्ट का इतना समय बर्बाद किया, 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगना चाहिए आपके ऊपर। आपने क्यों बंद कर दिया उसको फाइल को? आप फिर बुलाएंगे 15 मिनट में? मैंने यहां से खोल के दी थी, आपने बंद करके दे दी उसको। यहां जहां रखवा लिखा है वहां कुछ काट पीट दिख रही है आपको? मुंह से बोलिए जोर से, इस पे आइए माइक पे जी। बोलो, काट पीट दिख रही है जहां रखवा लिखा है वहां? दो बातें दिख रही है नहीं दिख रही? जो कहते हो मैं बोल देता हूँ। बोलो ना। नहीं, आप जो बोलवाना चाहते हैं। दिख रही है क्या? काट पीट दिख रही है क्या? हर जगह दिख रही है कि दिख रही? जहां जहां ये रकबा लिखा है वहां? जी रकबा में खाली जगह भरा गया है। खाली जगह भरने खाली जगह भरा गया है वो अलग मैटर है। पहले जो लिखा था उसको काट के दूसरा लिखा गया है कि लिखा है पहले ये बताओ? काट के दूसरी जगह लिखा है। दोनों जगह लिखा है कि एक जगह लिखा है? दो जगह लिखा है। उसके बाद जो दो लाइनें टाइप है वो दूसरी स्याही से टाइप है? ये नहीं कह सकते। एक मिनट, आप आइए, कोई भी एक जना खड़ा हो जाइए। आप क्या बात कर रहे हो? क्योंकि मशीनरी, आप आइए खड़े हुई है मिस्टर, पीछे बैठे आप, इनको बताइए आप। ये लाइट चाहिए, एक मिनट, ये बोलेंगे माइक पर जोर से बोलिए क्या दिख रहा है आपको। मियरली बिकॉज यू आर काउंसिल फॉर अपील एंड कुछ भी बोलोगे आप। देखिए इसमें क्या क्या अलग अलग दिख रहा है। खंडिका एक में जो शुरू की 5-4 लाइनें हैं वो डार्क हैं। कितनी डार्क है? रात और दिन का अंतर है कि नहीं? हाँ, काफी डार्क है। और उसके बाद लास्ट की दो लाइन जो है वो यहाँ रकबा लिखा हुआ है पूरा कटा हुआ है। पहले हाथ से लिखा था, बाद में टाइप से ऊपर करके बढ़ा के लिखा गया है। काट के ऊपर बैठ जाइए, पीछे आप बैठ जाइए, इनको नहीं दिख रहा। मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप एग्रीमेंट तैयार हुआ तो खाली जगह छोड़ा गया। चलिए वापस दे दीजिए फाइल, बहस करिए। कौन से जज ने बता दी? आप देखते ही नहीं हो, सेकंड अपील में खड़े हो, कहाँ खड़े हो आप? वही बहस
कर रहा है जो कभी तहसील ट्रायल कोर्ट में की होगी। हमें अच्छा नहीं लग रहा ट्रायल कोर्ट के खिलाफ कुछ लिखना, आपके खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते। मेरा निवेदन ये है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो ये कह रहा है कि आप ये देखना पड़ेगा कि जो चेंज है, पहली बात तो उसकी इन्फॉर्मेशन में हुआ है। पहला बताइए ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का जी इसी संबंध में, इसी संबंध में पहला बता दीजिए ना। जी जी बिल्कुल, घर से मार करके नहीं लाते क्या? क्या बताओगे आप? पैरा रहने दो, हम देख लेंगे। यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। पैरा नंबर 12 पढ़िए। ये काट छांट का पैराग्राफ नहीं है इसमें, मैं वो बता देता हूँ। काट छांट वाला पैराग्राफ कहाँ है? काट छांट ही वाला है ये। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए फ्रॉम से देखिएगा नीचे। हाँ, पैरा नंबर 12 से नीचे फ्रॉम से। हाँ, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लोअर अपीलेट कोर्ट, द हाई कोर्ट इन एफर्ट दैट द केस ऑफ द अपीलेंट दैट अल्टरेशन हैज बीन मेड बाय द कन्वेनर्स कन्वेनेटर्स इन द एग्रीमेंट ऑफ द सेल एग्जीबिट 12 फॉर इंट्रोड्यूसिंग रामस्वरूप एंड मूलचंद टू डिपेंडेंट पर्सन एज अ मार्जिनल बिजनेस ऑफ द सेट एग्रीमेंट। The High Court took the view that the interpolation for introducing the two independent marginal bidders in the agreement sale was made so as to give authenticity to the said agreement of the sale. Then the High Court considered the question whether the interpolation made in the documents was material alteration or not. The High Court took a note of the decision of this court in the case of M.S. Aniruddham, which was cited by the Learned Counsel for the Appellant before the court, and the case of Kalina. कुछ भी है ठीक है, कोई गलत नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा ये गलत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जो है सेकंड अपील ऐसा नहीं कर सकता था। नहीं ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो चेंज है ये देखना पड़ेगा कि वो मटेरियल चेंज है कि नहीं है। मटेरियल चेंज नहीं दिख रहा आपको, इसमें मटेरियल चेंज नहीं दिख रहा। दिस इज नॉट मटेरियल चेंज। मैं यही तो, व्हाट इज मटेरियल चेंज? मटेरियल चेंज है या आपके कंसीडरेशन अमाउंट में चेंज कर दिया जाए, आपके डेट में चेंज कर दिया जाए, इसमें वो जो जमीन में चेंज कर दिया जाए। जमीन में चेंज नहीं है, मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ। कहाँ करो ना निवेदन, थोड़ा सा मतलब कहाँ निवेदन कर रहे हो आप तो बहस तक नहीं कर रहे इस पॉइंट पे। मैं कर तो रहा हूँ, आप बताइए ना मटेरियल कौन सा चेंज है। मैं बताता हूँ, उसके पहले आप रोक देते हैं। आप ये बताइए ना एग्रीमेंट से, तो बताइए। मैं एग्रीमेंट से ही बता रहा हूँ साहब, बताइए क्या मटेरियल चेंज नहीं है जी, क्या था, क्या कर दिया ये तो बताइए। बताइए मोमेंट आप ये भूल जाएं कि इसमें कोई इंटरपोलेशन। मैं क्यों भूल जाऊं? एक एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं सुनेंगे ठीक है? नहीं भूल सकता जी मैं। आप ये नहीं कह सकते कि फॉर ए मोमेंट आप आंख बंद कर लो। ये बताइए कि इसमें एग्रीमेंट में कौन सा क्या लिखा था और क्या बदल दिया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है? भी नहीं बदला है? मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं बदला गया है। क्या सिग्नेचर है उस पर? ये जो चेंजेस है इसको यदि गायब कर दिए, डिसअपीयर हो जाए, इसके बाद भी उसके कंटेंट में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अच्छा जी, वो कैसे पता लगेगा? ये मैं बता रहा हूँ ना, आप यहाँ से देखेंगे पैरा नंबर 1 से फिर से पढ़ लिया मैंने, आप सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा मेरे को। ये नॉमिनी एग्रीमेंट अपनी बाई वाली बात, मैं एग्रीमेंट ही पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ दीजिए। नॉमिनी पीपर वाली बारी, हाँ, भूमि मुझ प्रथम पक्ष के भूमि समेत कब्जा दखल की है, जो राजस्व अभिलेख भूमि समेत दर्ज रिकॉर्ड है। हाँ, जो जमीन का संबंध है वो नामनी पीपर वाली बारी के नाम से जमीन है। हाँ, इसके बाद ये पैसे लेना भी बात कर रहे हैं कि मैंने पैसे लिया। आप थोड़ा सा देखेंगे जो खसरा नंबर जहाँ पे आपने बताया कि खाली जगह था उसको बाद में भरा गया 220/2.04। तो जब एग्रीमेंट तैयार हो रहा था उस समय ये जगह क्यों छोड़ी गई होगी? ये इसलिए छोड़ी गई थी, या तो ये बात है, मैं केस से हट के बात कर रहा हूँ, या तो ये हो सकता है गांव की पोजीशन में कि इसको याद नहीं रहा होगा, ऋण पुस्तिका या डॉक्यूमेंट्स मंगाने के बाद उसने फिर सामने बैठ के और दूसरी टाइपिंग मशीन से इसने टाइप करवाई होगी। अदरवाइज ये गैप नहीं छोड़ी जाती। गैप छोड़ने का मतलब है कि दोनों पार्टी ये जानते हैं कि किस जमीन का सौदा हो रहा है। पीपर वाली बारी इसके एविडेंस में आइएगा, एविडेंस में तुलसीदास में कि पीपर वाली बारी यही है जमीन। यू आर राइट, लेकिन ये जो पहले लिखा है ना रकवा जी, पहले लिखा रकवा 0.0020 करके लिखा हुआ है जी, बाद में इसको हाथ से 41 लिखा गया,
बाद में टाइप दूसरी मशीन से करके 0.166 तीन बार हुआ है। तो यदि होता तो ये पूरा इसका मीनिंग क्या है? यदि उसके इसका मैनाफाइड होता तो पूरा रकबा 0.41 है, उसका पूरा लिख लेता, पूरा लिख लेता।